एक मिनट में ऐसे ओपन अभी हुए इसमें क्या लिखा हुआ इसमें हमारा भारत। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने आपको भी एक वीडियो दिखाया है, ये पूरा वीडियो नहीं दिखाया है, आपको आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो निकल कर आया है ये उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से निकल कर आया है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जो होम टाउन है, वो बुलंदशहर के अंदर ही है और ये वीडियो भी बुलंदशहर का ही है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। मैं रहता वैसे दिल्ली हूँ पर ये मेरे होम टाउन का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का वीडियो है। दोस्तों हमारे देश को क्या हो गया है, हमारे देश के लोगों को क्या हो गया है, और ये मैं सिर्फ चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ जो आजकल इस तरीके की वीडियो जिन लोगों की निकल कर आ रही है। अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे गांव किसी शहर से निकल कर जा रहा है और वहां के आसपास के लोग उसको नहीं जानते हैं तो कुछ देश का माहौल खराब करने वाले लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसका नाम पूछते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं। ऐसी वीडियो सामने रोजाना निकल कर आ रही है। अगर कोई अपने जानवर पालतू जानवर लेकर दूसरी जगह जा रहा है या कोई अपने जानवर यानी खरीद कर दूसरे अपने घर पर लेकर जा रहा है जानवरों को, तो उसको पीटा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। और ये वीडियो रोजाना इस तरीके की वीडियो हमारे देश के किसी ना किसी राज्य से निकल कर आ रही है और ऐसी वीडियो की अब लोगों को आदत हो गई, लोग कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। बोलेंगे क्यों, उनको क्या फर्क पड़ता है। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात कर रहे हैं लाने की, यानी सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक कानून। पर यहां पर मुसलमानों को पीटा जा रहा है। अगर कोई किसी दूसरे गांव से निकल कर जा रहा है और वहां के लोग नहीं जानते तो कुछ माहौल खराब करने वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं, हिंदू संगठन के लोग पकड़ लेते हैं, RSS के लोग पकड़ लेते हैं, बजरंग दल के लोग पकड़ लेते हैं, उससे जबरदस्ती जय श्री राम खिलवाते हैं, राजगान का दबाव डालते हैं कि राजगान का, उससे ID मांगते हैं और जबरदस्ती बोलते हैं कि ये फर्जी ID लेकर घूम रहा है, और पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उल्टा उसे जेल भेज देती है जो शरीफ इंसान होता है जिसकी कोई भी गलती नहीं होती है। ये वीडियो जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से निकल कर आया है ये भी इसी तरीके का वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको पूरा वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। चलिए आप सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए। एक मिनट में ऐसे ओपन अभी हुए इसमें क्या लिखा हुआ इसमें हमारा भारत। इंतजाम होने वाला है, आज मैंने घोषित कर दिया था मुसलमानों ने। आपको नहीं पता क्या करेंगे, आधार कार्ड स्कैन अच्छा इसमें क्या है इसमें चेक करो एक बार, पैन कार्ड ना है जनाब। अरे ये कहाँ आयु कच्ची बनवा लिया, ये हिंदी इंग्लिश है, बैंक के सामने ले आओ भैया, बैंक का ही है निकालो। हेलो, दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, आसपास जो लोग आपको दिख रहे होंगे आप उनके कपड़ों से पहचान गए होंगे कि किस संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले ये जाकिर अली त्यागी हैं, ट्विटर पर इन्होंने डाला है कि बुलंदशहर के ककोड़ थाना क्षेत्र में भीड़ ने मुस्लिम व्यक्ति को रोककर आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज छीनकर चेक किए, राजगान गाने का भी बनाया गया दबाव, उल्टा पुलिस ने पीड़ित को ही गिरफ्तार कर भेजा जेल। यानी जो शख्स मुसलमान है जिसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है,
जिसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है राजगान का और जिसके साथ बदतमीजी की जा रही है, उसको ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि पुलिस को उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग होते कौन है आधार कार्ड चेक करने वाले, वो होते कौन है राजगान जबरदस्ती आने वाले, कौन होते हैं वो लोग, उनके ऊपर सख्त से सख्त पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पर पुलिस क्यों कार्रवाई करेगी? जिस पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो तो चाहती है कि इस तरीके की चीज़ें हों और हमें इलेक्शन 2024 में फ़ायदा हो। वो तो चाहती है कि इस तरीके की पूरे देश में माहौल होती रहे, रोज़ाना ऐसी वीडियोस आती रहें। और जो हिंदू हैं हमारे भाई, वो इस तरीके के दिमाग में उनके इमेज बना दी गई है कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं के लिए खतरा है और हिंदुओं को जो हम सिर्फ बचा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचा सकते हैं। अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो मुसलमान आपके लिए खतरा है, आपको मार देंगे, आपको ये कर देंगे। इस तरीके की इमेज बना दी और इसी तरीके की वीडियोज रोजाना आ रही हैं और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हमारा काम तो ये है कि हम तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, हम तो जो वीडियोस गोदी मीडिया नहीं दिखाती है हम वो वीडियो आपको दिखा देते हैं, सच लाते हैं। और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? सरकार से तो हम लड़ नहीं सकते, प्रशासन से तो हम लड़ नहीं सकते, सिर्फ सवाल ही पूछ सकते हैं, सवाल ही उठा सकते हैं। और आज भी हमने सवाल उठाया और जब तक रहेंगे सवाल उठाते रहेंगे। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो अगर मैं जब बनाता हूँ तो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए ताकि सब लोगों को सच्चाई का पता चले। आपकी क्या राय इस वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।